They go back to India and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people. India के लिए अमेरिका से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं. दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में. जितनी भी CEOs हैं टेक कंपनीज़ के सब इंडियंस हैं. और इंडिया ने उनको अलाउ भी किया और इंडिया ने अपना मुल्क सरजमीन को एक प्लेटफॉर्म दिया अमेरिकन्स को. जी हाँ, उन्होंने स्पेशली चीन का नाम लेकर ये बात संबोधन में कही है कि हम अपनी कंपनियां चीन से वापस बुलाएंगे और ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यही काम उन्होंने 2016 में जीतने के बाद किया था. तो एक तरह से सुर भी बदल चुके हैं शी जिनपिंग के. जो रिकंसिलिएटरी अप्रोच है, जो चाइना कल तक अमेरिका को दांत दिखाता था, आज वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा. जब ये दो पाकिस्तान में जो 2018 का इलेक्शन, तो ट्रंप थे मौजूद थे वहां पे. अगर ट्रंप ना होते ना, फर्ज करें, तो शायद 2018 का इलेक्शन भी किसी और तरह से हो जाता, जैसे 2013 का हुआ था. Today we are meeting in the world's biggest democracy, the fastest growing major economy. Prime Minister Modi, thank you very much. यूरोपियन यूनियन के चाइना के ऊपर बैरियर्स लगाने के बाद जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है. ये जर्मनी भारत के अंदर अब इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंडीशन. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत समझदार होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो दंगे फसाद नहीं करते हैं, वो झगड़े नहीं करते हैं, वो अपने आप को भी ग्रो करते हैं और जो कंट्री है उसको भी ग्रो करते हैं. और वो ये जानता है अच्छी तरह से कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका से पढ़ के जाते हैं वो भारत में आके बिलियनियर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग है दोस्तों. और वो ये भी जानता है कि जितने पाकिस्तान से आते हैं वो सिर्फ भीख मांगने के लिए आते हैं, और पाकिस्तान से आके अमेरिका के अंदर वो गंदा डालते हैं. और चीन की भी बात भी अलग है दोस्तों, चीन भी यही काम करता है. चीन भीख नहीं मांगता है, लेकिन चीन वहाँ जाकर सेंध लगाता है. वो कोशिश करता है किसी तरीके से अमेरिका की जो चीज़ें होती है उसको किसी तरीके से चुरा लूँ, टेक्नोलॉजी चुरा लूँ या कुछ और चुरा लूँ. हर चीनी का यही काम होता है, लेकिन भारतीय कभी ऐसा काम नहीं करते दोस्तों. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सब भारतीयों को ही अब हम रहने देंगे. आप देखिएगा दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है. कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होते हैं. अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के स्टूडेंट्स को रोक लें, उनको जाने ना दें, कोई तरीका करें कि वो वापस ना जाएं. यानी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका पढ़ने आते हैं, तो अमेरिका में वो ग्रेजुएट करने के बाद, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वापस इंडिया ना जाएं, बल्कि वो अमेरिका में ही रहें. इसकी वजह ये है कि जब वो वापस इंडिया जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो मिलियनियर्स और बिलियनियर बन जाते हैं, तो उनका रोका जाए. अब उनका यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं वो इतने ज़हीन होते हैं, और यहाँ की जब आला तालीम वो हासिल करते हैं, यहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वापस इंडिया चले जाते हैं, और इंडिया जाकर वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसे काम में लाते हुए वो बिलियनियर बन जाते हैं. बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं. आप देखिए, वैसे उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं वो चाइनीज़ और इंडियंस हैं. इसमें भी चाइना और इंडिया की रेस है. आप ये देखिए, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो ये बात ठीक कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं. और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में. जितनी भी CEOs हैं टेक कंपनीज़ के सब इंडियंस हैं. इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के में रहकर इंडिया के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो वहाँ पर ऐसा सोचा जा सकता है. मैं देख रही थी, कई प्रोग्राम्स भी ऐसे हो रहे थे जिसमें ये बात हो रही थी कि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे टैलेंट को खींच कर लेकर जा रहे हैं, और वो इनको ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वापस इंडिया वो ना जाएं, तो हमारा तो सारा टैलेंट जो है बाहर चला जाएगा. अच्छा, मैं इससे इतना ज़्यादा अग्री नहीं करती, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा. इसका एक और फ़ायदा देखें, ये होता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं
वो जब अमेरिका आते हैं यहाँ पर काम करते हैं तो फिर यहाँ के पे उनके कनेक्शंस भी बनते हैं, लॉबिंग का भी फ़ायदा होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद जो इंडियंस की है उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं इंडियन लॉबिंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की लॉबिंग उसके पासिंग भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो फिर इंडिया को इसका भी फ़ायदा होता है, कनेक्शंस होते हैं, रबते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। आप देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर, गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं इंडियन है, तो क्या आप समझते हैं कि वो, और वो बहुत नेशनलिस्ट है सबके सब। आपको पता है कि बड़ी से बड़ी वहाँ पर कोई इवेंट होता है तो मोदी साहब वहाँ पर जो है इवेंट ऐसा कोई करवाते हैं तो उनकी जो मेहमान होते हैं उसके अंदर ये सब टेक कंपनीज के लोग जो इंडियन यूथ है वो वहाँ पर जाती है। मैंने हमेशा यही बोला है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेंगे, पहले अमेरिकन इंटरेस्ट को देखेंगे फिर बाद में सबको सबका हिसाब देखेंगे। आज यूरोप में प्रॉब्लम हो गया होगा यूरोपियन लीडर्स को, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि नेटो का अस्तित्व क्या होगा अगले साल, और इस हिसाब से यूक्रेन वॉर जो अभी चल रहा है, रशियन पुतिन साहब ने अभी ऑफर कर दिया है कि रेडी टू नेगोशिएट विद डोनाल्ड ट्रंप। चाइना जो आपकी कंट्री जिधर आप हो उधर, उन्होंने बोल रहा है कि वी सी म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक तरह से सुर भी बदल चुके हैं जी जिनपिन के, जो रिकंसिलेटरी अप्रोच है, जो चाइना कल तक अमेरिका को दांत दिखाता था आज वो उसके सामने गिड़गिड़ा एक तरह से, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आजकल जो भी ये आ रहा है कि सुबह उठ के आप गिफ्ट निफ्टी मत देखिए, ट्रंप का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। वेल सेड सर, वेल सेड। अभी तो ये टोटल क्राउन है, उन्होंने बोल दिया कि भाई ताइवान का क्या होगा, वो भाई ताइवान का कुछ नहीं होगा, अभी चाइना चुप करके बैठेगा। ये मैं आपको पहले बोला था पिछले 6 महीने में, कितनी बार आपने वीडियो देखी है वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, ताइवान तो गया, मैं तब से बोल रहा हूँ कि ताइवान का कुछ नहीं होगा। देखिए ताइवान में क्या होगा कि ताइवान को अलाउ किया जाएगा कि चाइना को अलाउ किया जाएगा कि ताइवान के ऊपर वो अपने जेट उड़ाए, उनके ब्लॉकेट करे, जिसके कारण अमेरिका अपने आर्म्स ताइवान को आराम से बेच सके। एवरी ईयर $2 बिलियन का कंफर्म पेमेंट, कंफर्म्ड ऑर्डर्स आता रहता है, तो ऐसा लुक्रेटिव मार्केट अमेरिका नहीं चाहेगा, और वो खुद ही चाइना को बोलेगा कि आप ये एक्सरसाइज बार बार करते रहो, इट मेक्स सेंस फॉर देम। आज राहुल गांधी का वो डायलॉग याद आ गया है, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। आज रागा भी गया और कमली भी गई, और ट्रंप ने बुलडोज कर दिया है पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स को, ऐसी जीत लेके आए हैं 100-150 साल के बाद, तो कोई हारने के बाद दोबारा जीता है अमेरिका के अंदर ऐसा होता ही नहीं है कि आप एक बार हार गए उसके बाद दोबारा से खड़े भी हुए हैं, कोई अलाउ करता नहीं है, और खड़े होने के बाद जीता भी, और जीत भी ऐसी कि भाई सेनेट, हाउस, जीओपी, प्रेसिडेंसी सब कुछ जीत लिया, दिल भी जीत लिया है सभी का। ये आज ट्रंप जीता है, बड़े बड़ों की वाट लगने वाली है।